गाइज वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल सो देखा आपने लाइव वीडियो मेरे हेयर कटिंग का और नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन गो एंड चेक आउट सो शॉर्ट हेयर के बाद अब मैं शेयर कर रही हूँ साइड बैंक जो कि मैंने फिर से घर पर ही हेयर कट किया साइड बैंक का और हम लोगों की रिक्वेस्ट थी यार तो करना ही पड़ता है एनी थिंग फॉर माई सब्सक्राइबर ओके तो ये है साइड हेयर कट बैंग नाउ लेट्स गेट बैंक नाउसार्ट कि ये कैसे कटिए और ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे अब चलो ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बढ़ते हैं आगे तो बालों की हेयर कटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है यार आपकी सीजर जो है वो बहुत शार्प एजेस होने चाहिए अगर आपकी सीजर के एजेस जो है वो शार्प नहीं होंगे तो आप कितनी भी अच्छी टेक्निक से कट करो वो आपके बालों में ना एक लुक जो प्रॉपर रहता है प्रोफेशनल लुक वो बिल्कुल भी नहीं आएगा अब हेयर कटिंग करने के लिए आपको क्या करना है आपको फ्रंट से मतलब आपको मिडिल में से आईब्रोज के पास से मैंने फ्रंट से बाल उठाए जैसे कि हम पफ बनाते हैं ना उस तरीके से तो यह आपकी डिपेंड करता है कि आपको कितने थिक चाहिए आपके बैंग्स या फिर थिन चाहिए तो उस हिसाब से आपको हेयर जो है लेने हैं तो मैंने तो थोड़े से थिन रखे हैं दोनों साइड के लिए और यहाँ पे मैं अपने बालों को रबर बैंड से बांध लो या फिर खुला छोड़ दो वैसे तो रबर बैंड से बांध लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है और उसके बाद देखो आगे के जो आपके बाल हैं शार्प उनको अगर आपको लेफ्ट साइड आप रखते हो हेयर स्टाइल मतलब लेफ्ट साइड अगर आप बैंग करते हो तो आपको राइट साइड से पकड़ना है और अगर आप राइट साइड से करते हो तो आपको लेफ्ट साइड से ट्विस्ट करना है अपने बालों को इस तरफ हमें हमारी हेयर स्टाइल करनी है मींस बैंक्स करने और आपको वन और टू फिंगर के बीच में अपने बालों को अच्छे से पकड़ के आप देखिए ध्यान से और आपको ट्विस्ट करना है थोड़ा सा एक एक राउंड लेना है बस दैट्स इट अगर आप लेफ्ट साइड रखते हैं बाल तो राइट right साइड आपको टर्न करना है और अगर राइट right साइड रखते हैं तो आपको लेफ्ट साइड टर्न करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में देन इसके बाद सिंपली आपको आपकी सिजर से आपको स्ट्रेट में हेयर कटिंग नहीं करनी है आपको थोड़ा वर्टिकल कट करना है तिरछे में कट करना है क्यों उससे ना शार्प एकदम अच्छे से आ, आपके फेस के ऊपर बहुत अच्छे से लेयर्स बनेंगी और जब वो यहाँ वहाँ से लेयर्स निकलती है तो बहुत ब्यूटीफुल आपका फेस और हेयर स्टाइल लगती है और आपको ना आपको थोड़ा सा स्लेंटिंग करते हुए कट करना है और बिल्कुल स्टार्टिंग में एकदम डायरेक्टली कट मत कर दीजिएगा क्योंकि पता चला आपने कट किया और ज़्यादा बाल निकल गए तो पहले थोड़े से कट कीजिएगा और हल्के हल्क हल्के से एडजस्ट करते रहिए देन उसके बाद एक बार मेजर कर लीजिए आपको चिन तक रखने हैं बाल तो वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं मैंने यहाँ चिन तक ही रखे कुछ लोग नोस के हिसाब से रखते हैं तो डिपेंड की आपको किस तरीके से रखना है और दैट से मैंने तो एक बार में ही कट हो गया क्योंकि इससे पहले भी मैंने कई बार यार बैंकस कट किए हैं सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो